अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा रेज रेसिपीज। तो ये देखिए आज क्या बनाया है मैंने, ज़बरदस्त सा बहुत ही इजी एंड टेस्टी मसाला चिकन बनाया है जो बहुत ही यम्मी और टेस्टी है, जो रुमाली रोटी के साथ खा सकते हैं। ज़ीरा राइस, स्टीम राइस, पराठे, लच्छी पराठा, तंदूरी नान, ज्वारी की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जो बहुत ही यमी और टेस्टी है, जो सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह, बच्चों से लेके बड़ों तक, और मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और मेहमान तो खुश ही होके जाएंगे आपके घर से। आप भी बनाइए, खाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके घर में पसंद आया है कि नहीं। तो चलिए बनाना सीखते हैं, कैसे बनाते हैं इजी एंड टेस्टी चिकन। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गरम करने रख दिया है। तो यहाँ हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है, हम उसमें तेल डाल देंगे, मैं तकरीबन हाफ कप तेल डाल रही हूँ। सूखी लाल मिर्च डाल देंगे इसमें। नेक्स्ट हम डाल देंगे इसमें 5-6 काले मिर्च, 2 लौंग, 1 जावित्री का फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, थोड़ा सा शाहजीरा और थोड़े से दालचीनी के टुकड़े, ये भी डाल देंगे हम इसमें। जैसे ही मसाला चट करने लगेगा तब हम डाल देंगे चिकन। चिकन को अच्छी तरह भून लेंगे। ये हाफ केजी चिकन है, मसालों में खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। अब इसे हम तकरीबन 2 मिनट के लिए भूनेंगे चिकन को अच्छी तरह। तो यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है, चिकन अच्छी तरह से भुन गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से भूनेंगे, पूरी रॉ स्मेल निकल जाए इतना भूनेंगे हम अदरक लहसुन को। तकरीबन हम 1 मिनट के लिए इसे भूनेंगे अच्छी तरह। अदरक लहसुन को भूनते हुए हमें 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें 1 बड़ा टमाटर डालेंगे इस तरह से रफली चॉप करके, ताकि जो टमाटर है इसी में अच्छी तरह से गल जाए। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून के करीब हम डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह भूनना है सारा मसाला, फास्ट फ्लेम पे भूनेंगे हम। बहुत ही खुशबू आ रही है जबरदस्त। इसी तरह हम इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। जितना भूनेंगे इसमें उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा चिकन में, और अंदर तक उसका फ्लेवर जाएगा मसालों का चिकन के अंदर तक। तो इसे हम 2 मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरह। तो ये देखिए 2 मिनट भून लिया है मैंने। अब हम इसमें 1/2 कप इतना दही डालेंगे। मैंने दही को अच्छी तरह फेंट लिया है, फेंट के डालने से लम्स नहीं आते हैं दही के। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसे भी हम फास्ट फ्लेम पे भूनेंगे।
बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजी बनती है ये चिकन। तो ये देखिए दही का काफी सारा पानी छूटा है, हम इसे पानी और बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसे स्लो आंच पे 10 मिनट के लिए पकने देंगे, ढक करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे हम इसे। तो ये देखिए ये हमारे जो है 10 मिनट्स हो गए हैं, चिकन माशाल्लाह से काफी गल गई है, खुशबू भी बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी आ रही है, बहुत ही यमी है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर मैंने ये एक प्याज का ब्रिश्ता ले लिया है, मेरे पास ब्रिश्ता ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपको ब्रिश्ता कैसे बना के स्टोर करना है उसका रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो इंशाल्लाह मैं बनाने की कोशिश करूंगी। तो अब हम इसको इस तरह से चूर लिया है, बारीक बारीक कर लिया है हाथों की मदद से। अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे सारा और इसे अच्छी तरह भूनेंगे। ये जैसे कि हम पराठों के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही मजेदार होता है ये रेसिपी। वैसे हम अच्छी तरह, अब ब्रिश्ता डाला है तो ब्रिश्ते की खुशबू रहेगी, इसे हम 2 मिनट के लिए फास्ट गैस पे भून लेंगे अच्छी तरह। साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा 1/4 teaspoon जितना हम डाल देंगे चाट मसाला। टैंगी फ्लेवर के लिए चाट मसाला बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप खट्टा नहीं पसंद करते हैं तो बेशक ना डालें, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें टमाटर डाला है, दही डाला है। अगर आप चाहते हैं कि नींबू डालना चाहते हैं तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। तो हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, होममेड गरम मसाला पाउडर। उसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च, हरी मिर्च से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे अच्छी तरह भून लेंगे, फास्ट आंच में भूनेंगे हम इसे। बहुत ही मस्त, बहुत ही टेस्टी होता है ये, आप रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, जीरा राइस के साथ, स्टीम राइस के साथ, मेहमानों के लिए बना सकते हैं ये, घर में छोटी मोटी दावत के लिए बना ले सकते हैं, बहुत ही यमी और टेस्टी होता है। जिस तरह से मैंने ये 1/2 kg का इंग्रेडिएंट्स बताया है आपको, अगर आपकी चिकन थोड़ी ज़्यादा है जैसे कि 1 kg है तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स को डबल कर लीजिए जो भी मैंने इसमें डाला है। अब जैसे कि यहाँ पर ये सेमी ग्रेवी है, एकदम मसाला है ये, बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं है इसमें। अगर आप चाहते कि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हो जैसे कि थोड़ा सा राइस के साथ खाने के लिए, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल आने दे सकते हैं, बट मैं इसी तरह से रखूंगी ताकि हम लोग इसे रोटी के साथ खाने वाले हैं तो मैं इसी तरह रखूंगी इसे। तो ये देखिए ये हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारी चिकन जो है रेडी हो चुकी है, इजी एंड टेस्टी, बहुत ही यमी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, दुआओं की गुजारिश।